हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम कुक हाउस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त बिरयानी, जो मैंने चिकन और मटर दोनों को मिला के बनाई है। ये बिरयानी की बहुत ही ईजी रेसिपी है जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून मेथी यूज़ की है, साथ ही मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 इलायची, 2 जायफल के टुकड़े, 2 जावित्री, दैट्स इनफ। और मैंने साथ ही यूज़ किया है 1 टमाटर कटा हुआ, 10 हरी मिर्च कटी हुई और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कटोरी दही। साथ ही यहाँ मैंने मटर यूज़ की है, ये फ्रोज़न मटर है, आप ताज़ी मटर भी ले सकते हैं। 3 मैंने यहाँ पे प्याज यूज़ किए हैं और मैंने 1/2 kg चिकन यूज़ किया है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और तेल लगा के अच्छे से धो लिया है। मैंने यहाँ 5 कप चावल यूज़ किए हैं, पर 1 घंटा पहले ही धो के रख दिए थे। अब मैंने 1 बर्तन में 3 बड़ा चम्मच तेल डाला है, जिसमें कि मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। चलिए फ्राई हो रहा है कि मुझे तो बिरयानी खाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कितना पसंद है आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि ये गार्निशिंग पे टाइम में काम आता है। हाफ तो मैं बिरयानी में जब मैं चिकन फ्राई करूँगी तब मैं हाफ डाल दूँगी, उसके बाद मैं हाफ गार्निशिंग के टाइम पे डालूँगी। एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब हम साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ज़ीरा। मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे खड़े गर्म मसाले। मैंने यहाँ पे लिए थे 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, साथ ही मैंने यहाँ पे यूज़ की थी 1/2 इलायची काली, थोड़े जावित्री के टुकड़े, साथ ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च यूज़ की थी। और अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी जो कि मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद, हल्का से फ्राई करने के बाद, इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से भून लूँगी ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल निकल जाए। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी ताकि इन पीसेस के अंदर अच्छे से नमक अंदर तक आ जाए और अंदर तक एक बोटी, क्योंकि चिकन की बोटियाँ ऐसी होती हैं ना जिसमें फीका फीका सापन होता है, तो अगर आप नमक साथ ही ऐड करेंगे तो उसके अंदर नमक अच्छे से चला जाता है। अब मैं इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी और फिर लास्ट में दही ऐड कर दूँगी जो कि 2 चम्मच था, योगर्ट था और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। चलिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है कि कलर भी अच्छा आया है। और अब मैं इसमें लास्ट में मटर ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसके अंदर अच्छी तरीके से भुन जाए। चलिए देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 प्याज ऐड करूँगी, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इससे इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और 1/2 बचा लूँगी, बाद में गार्निशिंग के काम आएगा। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं आपको, मैंने सौंफ धनिया का पानी अलग से उबाल लिया था ताकि मैं ये यखनी बिरयानी में डाल सकूँ। अब मैं पहले पानी डालूँ, इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। बॉयल आ चुका है, अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ 5 कप चावल यूज़ किए हैं, ज़्यादा नहीं लिए थे। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर लास्ट में नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टीस्पून नमक यूज़ किया था, 1 टीस्पून मैंने पहले डाल दिया था जिससे बोटियों के अंदर नमक चला जाए, और लास्ट में 2 टीस्पून ऐड करूँगी, मतलब 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक इसके अंदर डालिएगा। ओके, अब इसके अंदर बॉयल आ चुका है, हम इसको अच्छे से चला देते हैं। फिर
में बिरयानी में ना कपड़ा डाल के दम कीजिएगा, ताकि इसकी भाप है ना स्टीम वो अंदर ही रहती है। मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है, अब इसके ऊपर से एक प्लेट रखूँगी, उसके बाद इसको अच्छे से ढक दूँगी ताकि कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब ये अच्छे से दम हो जाएगा, अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी ही वो। चले इसके दम होने का वेट करते हैं। ये दम हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर से, ये देखिए दम हुई है ना अच्छे से। चलिए अब मैं इसके ऊपर हमने जो लास्ट में प्याज बचाया था ब्राउन अनियन डाल दूंगी, फिर मैं इसके ऊपर से कलर फ्रूट कलर ऐड करूंगी जो मैंने दूध में मिलाया हुआ था। पानी में मत मिलाएगा क्योंकि वो पनीली पनीली सी हो जाती है। चलिए हमारी बिरयानी अब दम हो गई है, देखिए कितनी अच्छी से स्टीम निकल रही है, सारी स्टीम अंदर ही रहती है जिससे हमारे चावल ना खिले खिले बनते हैं। देखिए चावल कितना खिला खिला सा है और अलग अलग बिखरा बिखरा सा है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के तैयार हुई है। आप भी गरम गरम इसको खाइए और इसका मज़ा लीजिए हरी चटनी के साथ। मानिए फ्रेंड्स, आप मुझे पूरे साल भर बिरयानी खिलाएंगे ना, मैं उफ तक नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बिरयानी फेवरेट रेसिपी है। चलिए आप भी इसको घर पे जल्दी से ट्राई करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी सिंपल बिरयानी की कैसी लगी, क्योंकि ज़रा सी देर में ही बन के तैयार हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।